हम आह भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब्बा जी आपकी आवाज में शेर सुने ना अलग ही सुरूर मिलता। शुक्रिया शुक्रिया, चल अब काम बता। अब्बू जी काम तो कोई नहीं है, बस 100 रुपया चाहिए था। क्या मतलब 100 रुपया दे दो, अभी 4 महीने पहले तुझे 500 रुपए दिए हैं, तूने सारे खर्च कर लिए। तू तो बहुत ज्यादा फजूल खर्च हो गया, तुझे तो एहसास ही नहीं है मेरा। अब्बू जी कैसी बातें कर रहे हैं। मेरा बेटा मेरी बात सुनो, मैं आपको ना एक वाकया सुनाता हूँ। जब मैं बच्चा होता था ना, मेरे अबू ने एक दिन मुझे दिए 500 रुपए, अगले दिन चले गए वो दुबई। दुबई में अब उनका कारोबार नहीं चला था, वो एक साल के बाद जब वापस आए ना, मेरे पास तब भी 4 रुपए बच गए थे। अब मुझे एहसास था अपने बाप का, वो 4 रुपए मैंने दे दिए अपने अब्बू जी को। मेरे अब्बू जी ने उनसे बिजनेस स्टार्ट किया, लाखों रुपए कमाए, आज आप करोड़ों के घर में बैठे हो, ये सारा उन 4 रुपए का नतीजा है। मैंने आपको 4 महीने पहले 50 रुपए दिए हैं, मुझे ये था कि आप मुझे वापस कुछ दोगे, आप मुझसे दोबारा मांग रहे हो, आपको शर्म नहीं आती। गंदी औलाद ना मजा ना सवाल। ऐसे भी होता है। अच्छा अबू छोड़े, आपको क्या लगता है आपके बेटे को आपका जरा एहसास नहीं है। ये की ना शहजादों वाली बात जी, आप 100 रहने दे, आप 50 रहने। की क्या ही? निकल इथों, इस तो पहले कि मैं जुत्ती फड़ना तो तेरी चमड़ी देर के रख दा। बगैर था तेनों मैं अद्धे घंटे का वाक्य सुना देता कि तेनों मेरा एहसास होए, तेरी सुई हले भी उथेरी उथे अटकी है। ओए उठ जा, मेरी अखा तो सामने हो जा रहा हूं, आप तो गुस्सा ही कर गए। ओ तुहाडा भला होए, ओए इन्ना कदा बिल आ गया है, यह मकान है कि फैक्ट्री है? इन्ना तो फैक्ट्रिया दी मशीन चल के भी नहीं बिल आंदा, इन्ना ने की आखर चुकी है। अबू जी मैं सुबह दोस्तों के साथ जा रहा हूँ ट्रिप पे, तो 500 रुपया दे दें। पूरा है ना जरा, कदा 500 दिया तेन मैं है? बीपी हाई किया जे मेरा। अबू जी मैंने क्या बोला है आपको? अगो जुबान चला रहे बगैरत है, इन्ना बिल कद है? तो अबू मैं क्या करूं, मुझे क्या पता हो। बगैरत इंसाना तेन तमीज नहीं है प्यो ना गल करन दी, अगो कंज बदतमीजी कर रहा मेरा। तो है ना तू हाँ बगैर तो मैनू दिल का मरीज बना छड़िया, तू हाँ मावा पुत्रा ने सलाह की थी है प्यो नू मार के छड़ना। अबू जी मैंने भी इस घर में रहना है, मैं जा रहा हूं। किथे जाना तू? ओए ओए तू की आखे है, इत्थे नहीं आना तू है, तेन मैं बदमाश बनाना से इन्ना पढ़ाया सी। मेरे ना दोबारा बदतमीजी की ना, मैं तेन पटरिया लटा ना प्यो ना गल कर तमीज नहीं। तू अब्बा जी क्या कर रहे हैं आप? सिगरेट पी गया है ना? कल अभी मैंने नई परफ्यूम ली है, वो लगाई हुई है। मेनू कोई गड़बड़ लगती है। ऐ वेख सिगरेट दी रब्बी। बाजी ये देखे मोबाइल है इधर भाई ना, जरा तेरे मोबाइल च की है, अज वेख लैना मैं आप ही। खोल इहदा पासवर्ड। मैनू सारा पता तेरा, तू की करना है आज? आपको पता नहीं क्या हो गया, मैंने सोना मैं जा रहा हूँ। की सोना है 8 बजे? ओ तू तो 12 बजे सोना है, नशा करके आया। मुंह खोल, मुंह खोल। अबू जी मेरी बात तो सुने, क्या हो गया? ओ नहीं नहीं हुण तेरी गल नहीं सुन ली, हुण कुछ नहीं हो सकता। ओ अब्बा जी मैंने आपको बताना है, मैंने सुबह ब्रश नहीं किया था इसलिए इतनी गंदी स्मेल आ रही है, क्या हो गया आपको? बदतमीज इंसान, चल सोइया जाके। किथे गया है सुन? मेरा दिमाग खराब करके रख देता है, पूरे महल्ले च मेरी थू थू करा दी है। नाल दे ममू साहब नू वेख लो, इन्हां नू कोई मूंह नहीं लाता। अब जो भी मैनू रोक के कह रहे ने तुहाडा मुंडा फेल हो गया, अज कार वाले से इहदी मैं चमड़ी उधेड़ देवांगा। ओए आ गया तू? जी पापा 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 पा, की पापा पापा लाई है? कितने दफा होया सा? पापा कहीं भी नहीं गया था, मैं तो वाहत के घर था। ओदे नाल रह रहे ना तू भी खराब हो गया, ए सारे ओदे नतीजे ने। तेरे पता तेरा रिजल्ट की आया? ओ फेल हो गया 4 पेपरां दे विचों। अज गली दे विच मेरी थू थू हो गई है, ए नाल दे महमूद साहब नू वेख लै, इन्हां नू कोई मूंह नहीं लांदा। अज उन्हां नू भी रोक के मैनू जलील कीता सिर्फ तेरी वजह तो। पापा पूरी क्लास में से सिर्फ 4 बच्चे पास हैं, बाकी सारे फेल हैं। तू उन्हां 4 बच्चों विच क्यों नहीं आंदा? एदा मतलब ए वे कि तू सिर्फ आवारा बच्चे दा फेरना है,
ਤਾਂ ਤੂੰ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਤੇਰਾ ਖਰਚਾ ਬੰਦ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਪਾਪਾ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਮਜ਼ੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਆਣਾ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਧੋਵੇਂਗਾ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਫੇਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੇ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਸਹੀ ਬਣ ਲੂੰਗਾ ਮੈਂ ਮੀ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਰਹਾ ਜਾ ਜਾ ਦੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਦੋਵੇਂ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ देखो बेटा मेरी बात सुनो मैं नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी दिन से ना तुम मुझे बहुत परेशान नज़र आ रहे हो क्या बात है बेटा मेरे साथ शेयर करो नहीं अब्बू जी बस वैसे ही मौसम ऐसा है इसलिए बस थोड़ा सा मूड ऑफ हुआ है बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से जब बाप का जूता बेटे को पूरा आ जाए ना तो फिर वो बाप बेटा नहीं रहते दोस्त होते हैं तो आप खुल के मेरे साथ शेयर करो क्या बात है अब्बू जी वो ना मैं इस सेमेस्टर में ना कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हो गया हूँ तो बस इसी चीज का डर लग रहा है मुझे तो बेटा कुछ नहीं होता इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है मैं कोई आपके चाचुओं की तरह थोड़ी हूँ कि आपको मारूंगा या आपको डांटूंगा आप बिल्कुल परेशानी लेना छोड़ दो देखो मेरी बात सुनो बेटा जो एक दफा फेल होता है ना वो जब दोबारा मेहनत करता है ना तो वो पहले से भी ऊपर जाता है इसलिए आप परेशान ना हो लेकिन पापा खानदान वाले क्या बोलेंगे बेटा क्या हो गया आपको खानदान वालों की फिक्र कौन कर रहा है जब आपका बाप आपके साथ है तो फिर किसी की क्या परवाह है आपको और मेरी बात हमेशा याद रखना बेटा मैं आपका बाप नहीं मैं आपका दोस्त हूँ जब भी कोई मसला हो परेशानी हो आपका दोस्त हाजिर है थैंक यू सो मच पापा आपको पता है मैं पिछले एक हफ्ते से इसी टेंशन के अंदर था आपने मेरी सारी टेंशन दूर कर दी आई लव यू पापा ओ मेरा शहजादा आ गया बैठो मेरा बेटा जी अबू जी मेरा बेटा जरा टाइम देख के बताना क्या हो रहा है अबू जी 12 बज गए हैं मुझे तो ये था मेरा बेटा 2-3 बजा के आया नवाब साहब गलती से तो नहीं आ गए इस घर में वो अबू जी बस वो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ अच्छा अभी मैं जाऊँ मैंने सोना सुबह कॉलेज जाना है अच्छा जी कॉलेज भी याद है मेरे बेटे को वैसे भी मैं कल तुम्हारे कॉलेज गया था तो वो मुझे बता रहे थे कि आपका बेटा 6 की बजाय 8 क्लासें लेता है लेकिन कंटीन में बैठ के बगैरत इंसान तुझे जरा शर्म आनी है अब्बू जी मैं घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी करता हूँ ना ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था मेरा बेटा सुबह सुबह उठ के कॉलेज जाता है आके अपनी माँ के सारे काम करता है बाद में अपने बाप के काम में भी हाथ बटाता है लेकिन ये सारा ख्वाब में होता है मेरा पुत्र अब्बू जी अब इतनी भी बात नहीं है आप तो हर वक्त मुझे जलील करते रहते हो लेकिन बेटा फायदा तो फिर भी कोई नहीं होता इतनी डीठ मट्टी लगी हुई है तुम्हें खैर तुम जाके सो जाओ लेकिन ये अपना फोन जो है ना आज रात मेरे पास रख जाओ अच्छा अब्बू जी